एक पत्र है। सो अरुणा अजय येवले निवासी वर्धा नागपुर से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सो अरुणा अजय येवले निवासी वर्धा नागपुर के निवासी हैं, कहीं बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहाँ व्यासपीठ पे ले आओ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरी बेटी विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा यूट्यूब पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहाँ पर कथा पंडाल में बैठ कर सुन रही हूँ और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर यूट्यूब पर मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया तो ये शिवपुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिवपुराण से क्या, सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी। और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने आबू धाबी में कथा सुनी और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, एक लड़का और एक लड़की जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर।